मजीद 8 लाहौरिये कोरोना वायरस में मुब्तला, तादाद बढ़कर 167 हो गई। चार दौरान इलाज जान की बाजी हार गए। पंजाब भर में मजीद कोरोना पॉजिटिव, अब तक 748 मरीजों में वायरस की तस्दीक। 5 सेहतयाब होकर घर चले गए, 10 अमवात रिकॉर्ड। लॉकडाउन का नवा रोज, शहरियों को घरों तक महदूद रखने के लिए पुलिस के 1462 नाके। कानून की खिलाफ वर्जी पर 1178 अफराद गिरफ्तार, 830 मुकदमात का इंदराज। बिला जरूरत बाहर निकलने पर 15,000 शहरियों को वार्निंग। दुकानें और होटल्स खोलने वालों, जखीरा अंदोजों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जबकि शहरियों का गैर संजीदा रवैया और बे एहतियाती जू की तू बरकरार। फुटपाथ और सड़क किनारे फरोख्त होने वाले मास्क कोरोना के फैलाव का सबब बन सकते हैं। मेडिकल स्टोर से सर्जिकल मास्क न मिलने पर शहरी सड़क किनारे से कपड़े के मास्क खरीदने पर मजबूर। हुकूमती तवज्जो, कोरोना वायरस का फैलाव रोकने पर मुर्तकिस। लॉकडाउन और नाकिस हुकूमत अमली के सबब सरकारी हॉस्पिटल में दीगर इलाज मुआलजा तातुल का शिकार। बेशतर ओपीडीज की बंदिश के सबब हजारों मरीज सरबदर। जरूरी ऑपरेशन भी मुलतवी, महकमा सेहत ने नाजुक सूरत हाल नजरअंदाज कर दी। जबकि लॉकडाउन के दौरान मुतअद्दद यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत से महरूम। HEC की सलाहियत न होने वाली जामियात को क्लासेस बंद करने की हिदायत। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए यूनिवर्सिटी से दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मांग ली। खुली दुकानों के औकाते कार मजीद महदूद। सब्जी, दूध, गोश्त, ग्रॉसरी, करियाना शॉप्स शाम 5 बजे बंद करने के अहकामात। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, पेट्रोल, CNG पंप्स और LPG शॉप्स को इस्तेमाल। नए हुकूमती अहकामात पर दूध फरोशों को तहफ़ुज़ात। औकाते कार 5 बजे की बजाय 8 बजे तक रखने का मुतालिबा। सैंतीस मरीजों की तस्दीक के बाद रायबंड का मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम फार्मेसीज, ग्रोसरी स्टोर समेत हर किस्म की दुकानें और मार्केट्स बंद। CCPO लाहौर, DIG कमिश्नर, डेप्टी कमिश्नर और रेंजर्स ने रायबंड के शटल दौरे किए। इज्तिमागाह के उलमा इकराम से मुलाकातें और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। शहरियों में राशन तकसीम किया गया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का गिरफ्तार तबलीगी अहबाब की फौरी रिहाई के लिए वज़ीर आला से राबता। वीडियो पैगाम में बोले, तबलीगी जमात से कोई जुल्म ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मेहमानों से मुजरिमों का साफ बर्ताव न किया जाए। बुनियादी अशियाए जरूरिया की बरवक्त फराहमी। लॉकडाउन से मुतासिरा मेहनत कशों की आसानी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद सनतों को चालू करने के लिए इजाजत देने पर गौर। पंजाब हुकूमत ने बुनियादी इंसानी जरूरियात से जुड़ी 50 सनतों की फहरिस्त तैयार कर ली। इंडस्ट्रीज खोलने की सूरत मुकर्रा एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। कोरोना वायरस से हिफाजत का बेहतरीन तरीका घर में रहना है। वजीर आला पंजाब की एक बार फिर शहरियों से खुद को महदूद करने की अपील। सरदार उस्मान बुजदार का कोरोना हॉस्पिटल का दौरा। नौरोज में हॉस्पिटल ऑपरेशनल करने पर महकमा सेहत, जई इंतजामिया, रेस्क्यू हुकाम को शाबाश। सहूलियात के जायजे के दौरान बताया, 8 नई कोरोना तशीसी लेबोरेटरीज के लिए 64 करोड़ जारी कर दिए हैं। बोले, इंसाफ प्रोग्राम में आज से रजिस्ट्रेशन, तस्दीक के फौरी बाद इमदाद मुंतकिल कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ का कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के लिए मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालिबा। अपोजिशन लीडर का वजीर आजम और उनकी टीम पर एक बार फिर इजहार अदम एतमाद। बोले, हुकूमत जब तक कोरोना के ट्रेंड को समझेगी बहुत देर हो चुकी होगी। मरीजों की तादाद में यकदम इजाफा शदीद परेशानी का बायस है। कोरोना के खिलाफ पीपल्स पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायरा की जेर सदारत। वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में राना सनाउल्लाह चौधरी, मंजूर अहमद, हसन मुर्तजा, कामिल अली आगा, जावेद कुसूरी और गुलूकार जवाद अहमद समेत दीगर शरीक। शुरका का कोरोना के खिलाफ कौमी हिकमत अमली की तैयारी पर जोर। लॉकडाउन में गंदम की कटाई के पेश नजर जरिए आलात की नकलो हरकत की इजाजत। सीमित की तरसील पर भी पाबंदी से मुस्तस्ना। चीफ सेक्रेटरी की जेरे सदारत अहम इजलास में बड़े फैसले। आज से दुकानें शाम 5 बजे बंद कराने के हुक्म पर सख्ती से अमल दरामद होगा। डिस इंफेक्शन किट्स की तैयारी 2 रोज तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गयी। कोरोना और लॉकडाउन कारोबार खा गया। छोटे कारोबारी गुज़श्ता माह से शदीद बुहरान का शिकार हैं।
हुकूमत छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए भी पैकेज का ऐलान करे। साबिक चेयरमैन फास्टफेड सरफराज अहमद की स्टडी 42 से गुफ्तगू, बोले किराए की जगहों पर कारोबार करने वाले छोटे ताजरों पर तवज्जो दी जाए। नॉर्दर्न का तारीफीन को रिलीफ देने का ऐलान। लॉकडाउन के सबब अदम अदायगी पर तहकुमे सानी कनेक्शन मुनकता न करने का फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते खदशात के सबब नए कनेक्शन लगाने का काम भी मौतल। कनेक्शन टीमों को घर भेज दिया गया। कोरोना वायरस के मुआशी डेड लॉक, स्टेट बैंक ने कर्ज वसूलियां एक साल के लिए मौखर कर दी। ताजिर सनद दोस्त फैसले पर इबान सनद और तजारत लाहौर का खैर मकदम। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का मार्कअप भी 2 से 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालबा। स्कूलों में 31 मई तक छुट्टियां, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। महकमा स्कूल एजुकेशन का कोरोना खदशात के सबब दी गई तातीलात को मौसमी गर्मा की छुट्टियों में तब्दील करने का ऐलान। लॉकडाउन के दौरान तालीमी सिलसिले जारी रखने के लिए तालीमी टीवी चैनल तालीम घर का आगाज कर दिया गया। ईद से कबल मेहनत कश तबके की दादरसी का सामान। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 2 अकसाद के 8,000 फराहम करने का फैसला। विफाक की हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत भी 12,000 का पैकेज दिया जाएगा। पीडीएमए ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर वर्किंग शुरू कर दी। ट्रेन ऑपरेशन बंदिश के बाद पाकिस्तान रेलवे को ऑपरेशन खसारे का सामना। महकमा रेलवे को 6 अरब रुपए का खसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला। विफाकी काबीना ने ईसीसी सिफारिशात की मंजूरी दे दी। तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स की बंदिश के सबब मुर्गी के गोश्त की तलब में कमी। रिटेल मार्केट में ब्रायलर चिकन 14 रुपए कम होकर 161 रुपए किलो पर फरोख। जिंदा मुर्गी की कीमत 111 रुपए फी किलो हो गई। फार्मी अंडों के फी दर्जन नेख भी 5 रुपए कम होकर 118 रुपए मुकर। हरबंसपुरा के इलाके सलामतपुरा में डकैती की वारदात। जनरल स्टोर मालिक की मुजाहमत पर डाकू की फायरिंग। शलवार कमीज मलबूस डाकू लूटमार के बाद बआसानी फरार। फुटेज मंजर आम पर। लाहौर पुलिस लूटमार रोकने के लिए नाकाम। रवा साल के पहले 3 माह में संगीन जराइम के 4700 से जायद मुकदमा दर्ज। 1729 मोटरसाइकिल्स, 112 गाड़ियां चोरी, 895 डकैती और चोरी की वारदातें। रिपोर्ट पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। और पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद अमवात की शरह इंतहाई कम है। गवर्नर पंजाब का टेली मेडिसिन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में इजहार तशक्कुर। बोले इमरजेंसी की सूरत डॉक्टर्स नर्सेज हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं। मुखय्यर हजरात से मिलकर वबा के असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। वीजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जबान की गवर्नर को ब्रीफिंग। बताया कोरोना अस्पतालों के लिए 756 डॉक्टर्स पैरामेडिक्स भर्ती किए जा रहे हैं। ईद से कबल मेहनत कश तबके की दादरसी का सामान। इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 2 अकसाद के 8,000 फराहम करने का फैसला। विफाकी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम के तहत भी 12,000 का पैकेज दिया जाएगा। पीडीएमए ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर वर्किंग शुरू कर दी। ट्रेन ऑपरेशन बंदिश के बाद पाकिस्तान रेलवे को ऑपरेशन खसारे का सामना। महकमा रेलवे को 6 अरब रुपए का खसूसी रिलीफ पैकेज देने का फैसला। विफाकी काबीना ने ईसीसी सिफारिशात की मंजूरी दे दी। तकरीबात पर पाबंदी। रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स की बंदिश के सबब मुर्गी के गोश्त की तलब में कमी। रिटेल मार्केट में ब्रायलर चिकन 14 रुपए कम होकर 161 रुपए किलो पर फरोख। जिंदा मुर्गी की कीमत 111 रुपए फी किलो हो गई। फार्मी अंडों के फी दर्जन नेख भी 5 रुपए कम होकर 118 रुपए मुकर। हरबंसपुरा के इलाके सलामतपुरा में डकैती की वारदात। जनरल स्टोर मालिक की मुजाहमत पर डाकू की फायरिंग। शलवार कमीज मलबूस डाकू लूटमार के बाद बआसानी फरार। फुटेज मंजर आम पर। लाहौर पुलिस लूटमार रोकने के लिए नाकाम। रवा साल के पहले 3 माह में संगीन जराइम के 4700 से जायद मुकदमा दर्ज। 1729 मोटरसाइकिल्स, 112 गाड़ियां चोरी, 895 डकैती और चोरी की वारदातें। रिपोर्ट पुलिस की नाकिस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत।
और पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर अफराद अमवात की शरह इंतहाई कम है। गवर्नर पंजाब का टेली मेडिसिन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में इजहार तशक्कुर, बोले इमरजेंसी की सूरत डॉक्टर्स नर्सेज हमेशा फ्रंट लाइन पर होते हैं, मुखय्यर हजरात से मिलकर वबा के असरात से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। वीजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आमिर जमान की गवर्नर को ब्रीफिंग, बताया कोरोना अस्पतालों के लिए 756 डॉक्टर्स पैरामेडिक्स भर्ती किए जा रहे हैं।